हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा ये रहा ओरिजिनल फोटो। इसी फोटो पर मैं आप सभी को वीडियो बनाने वाला हूं। इसी फोटो को मैं एडिट करके आप सभी को सिखाने वाला हूं कि आप सब किस तरीके से इस फोटो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। तो इस फोटो को सबसे पहले आप सभी को जो है सेट कर लेना है अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। जहाँ से मैं अपने फोटो को जो है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर सेंड कर लेता हूँ। आप सभी को स्नैपसीड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आज आपको आ जाना है टूल वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आपके आ करके यहाँ से सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से अपने फोटो को जो है जूम कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। जहाँ पर आपका फोटो डार्क है वहाँ पर इस तरीके से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है अपने फोटो पर। मैं कुछ इस तरीके से अपने फोटो पर जो है ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लिया हूँ। आप देखते हैं आई के पास, मेरे आँख के पास भी इस तरीके से ब्लैक ब्लैक है, तो वहाँ पर भी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद अपने हैंड पर भी और अपने पैर पर भी इस तरीके से जो है ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। इस तरीके से धीरे धीरे करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, ताकि आपका फोटो जो है अच्छे से बन सके। धीरे धीरे अच्छे से करना है सभी को। तो इस तरीके से अपने फोटो को कर लेना है ब्राइटनेस से फुल और उसके बाद अपने फोटो को सेंड कर लेना है स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से मैं अपने फोटो को जो है स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर सेंड कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा स्केच बुक एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं अपने फोटो को सेंड कर लिया हूँ। तो मेरा फोटो स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपको अपने फोटो को जो है स्मूथ करना सिखाऊंगा, किस तरीके से स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे आकर के आपको ये वाला ब्रश चूज कर लेना है। इस वाले ब्रश को आप सबको चूज कर लेना है। तो इस वाले ब्रश को मैं चूज कर लिया हूँ। यहाँ से आपको आ जाना है ऊपर सेटिंग में। इसकी साइज को देख सकते हैं, कुछ इतना रखा हूँ। आप सब भी इसी प्रकार से अपनी साइज को जो है रख लीजिएगा। इसका फ्लो 4 कर दीजिएगा, स्ट्रेंथ को 7 कर लीजिएगा और साइज को अपने फोटो के अकॉर्डिंग कुछ छोटा बड़ा करते रहिएगा। तो इस तरीके से फोटो को जो है जूम करके कुछ इस तरीके से अपने फोटो पर कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरा फेस जो है कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो आप सबको इस तरीके से अपने जो है फेस पर इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से धीरे धीरे कर लेना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो आपका फोटो जो है अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आप कहेंगे भाई कैसा बता रहे हो, फोटो नहीं बन रहा सही से। तो इस तरीके से आप सबको जो है कुछ इस तरीके से कर लेना है, धीरे धीरे अच्छे से इस तरीके से कर लेना है। मैं तो आप सबको बता रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप सब अच्छे से धीरे धीरे करिएगा ध्यान से, ताकि फोटो जो है आप सबका अच्छे से फेस स्मूथ होकर तैयार हो सके। तो यहाँ अपने साइज को जो है थोड़ा सा छोटा करके इस तरीके से जल्दी जल्दी कर लीजिएगा अच्छे से। मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो है फेस इतने अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। तो अगर आप से अपनी लिप को अगर रेट करना चाहते हैं तो उसको भी मैं बता रहा हूँ आप सब किस तरीके से अपनी लिप को जो है रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लेयर पे आ जाना है, प्लस वाले आइकन पर टाइप करके एक लेयर बना लेना है। इस पर लेयर पर टाइप करके यहाँ आ जाना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा आप सबको, इस पर टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है सॉफ्ट लाइट पे, इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आकर के आपको रेड वाला कलर चूज कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद कट कर देना है। यहाँ से आकर के आपको जो है कौन सा ब्रश लेना है मैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ नीचे आ जाना है, आप सबको ये वाला ब्रश जो है ले लेना है। ये वाला ब्रश आप सबको ले लेना है। ये वाला ब्रश मैं ले लेता हूँ, उसके बाद यहीं से कट कर देता हूँ। फिर इस तरीके से फोटो को जूम करके आप सब अपने लिप्स पर कुछ इस तरीके से जो है रेड को बढ़ा सकते हैं। तो आपका लिप्स देख सकते हैं, मेरा लिप्स कितने अच्छे तरीके से रेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आकर के कुछ इस तरीके से जो है ओपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है इतना रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मर्ज डाल कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मेरा फोटो कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फिर से सेंड। यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे आकर के अदर वाले ऑप्शन पे टाइप कर देना है। यहाँ से आपका फोटो जो है प्लीज वेट लेगा, उसके बाद सेंड हो जाएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से मेरा जो है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फोटो खुल चुका है। तो यहाँ से मैं अपने फोटो को जो है थोड़ा सा और ब्राइटनेस को इंक्रीज करूँगा। तो इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना है। यहाँ से आ जाना है टूल पर, उस सिलेक्ट टूल को ऐड करके इस तरीके से जो है जहाँ पर भी आपका फोटो जो है डार्क है इस तरीके से आपसे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा। और ऊपर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको एक थर्ड नंबर पे सैचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे कम कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन टाइप करके फिर से आपको यहाँ से जहाँ जहाँ पर आपका फोटो डार्क है इस तरीके से बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ से सैचुरेशन को कर लेना है -9। अपने हिसाब से आप सब कर लीजिएगा, जितना आप सबका फोटो रेड हो उस तरीके से आप सब सैचुरेशन को घटा बढ़ा लीजिएगा। तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, इस तरीके से आप सबको कर लेना है। देखिए मेरा फोटो जो है कितने अच्छे तरीके से जो है
बन के तैयार हो रहा है, इस तरीके से आप सभी कर लीजिएगा। यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा और लाइट इंक्रीज कर लेता हूँ, सेचुरेशन कर लेता हूँ -9। यहाँ से आप सबको जो है अपने हैंड पर भी कुछ इस तरीके से ही कर लेना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। तो आप सब धीरे धीरे अच्छे से करिएगा, मेरी तरह इतना जल्दी ना करिएगा, मैं तो आप सबको बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। तो आप सब धीरे धीरे कर लीजिएगा अच्छे से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप सभी कर लीजिएगा, बिल्कुल भी अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी जल्दी ना करिएगा। इस तरीके से करके उसके बाद आप सबको जो है फोटो जो है तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आप सबका फोटो जो है बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे ब्लर करूँगा, आपका जो है मैं बैकग्राउंड ब्लर कैसे होगा उसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से अपने फोटो को जो है डन करके सेव कर लेना है गैलरी में। यहाँ से मेरा फोटो जो है सेव हो रहा है, मेरा फोटो सेव हो चुका है, आप सबको गैलरी में दिखा देता हूँ चल के। यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, मेरा फोटो जो है यहाँ पे आप सब देख सकते हैं सेव हो चुका है। तो इस फोटो का बैकग्राउंड जो है मैं अभी ब्लर करूँगा, आप सबको ब्लर करना सिखाऊंगा किस तरीके से ब्लर कर सकते हैं। तो इस फोटो का बैकग्राउंड जो है ब्लर करने के लिए आप सबको अपने डाटा को जो है ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपने डाटा को जो है ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपने डाटा को जो है ऑन कर लिया हूँ, उसके बाद अपने फोटो को जो है सेंड कर लेना है फेस एप्लीकेशन के अंदर। उसका भी लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उस ऐप को डाक डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ये वाला फेस एप्लीकेशन है, इस पर सेंड कर लेता हूँ मैं अपनी फ़ोटो को। यहाँ से सेंड कर लेना, आप सभी को भी अपने फ़ोटो को जो है सेंड कर लेना है एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से आ जाना है साइड में, यहाँ से आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेंस ब्लर का लास्ट में, इस लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे आप सबको आ जाना है। उसके बाद इस पर टाइप करके आप फर्स्ट वाले ऑप्शन बोके पे टाइप कर लेना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आपका फोटो जो है जूम ब्लर हो रहा है कुछ इस तरीके से। सेकंड वाले ऑप्शन टाइप करेंगे तो देख सकते कितने अच्छे तरीके से ब्लर हो रहा है। तो आपको फर्स्ट वाला ही रहने देना है, ताकि जो ये जो है देख सकते कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और सेकंड वाला ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट वाला ही जो है ब्लर करना है, इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद ऊपर आप सबको एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ से इस तरीके से इरेज कर लेना है अपने साइड से जो है फोटो को जो है इस तरीके से इरेज कर लेना है। आगे का जो बैकग्राउंड ब्लर हुआ है इसे इस तरीके से इरेज कर लेना है। इस तरीके से मैं इरेज कर ले रहा हूँ अपने फोटो को जो है। तो आप सबको भी इस तरीके से अपने फोटो का जो आगे का बैकग्राउंड है इसे इरेज कर लेना है। इस तरीके से इरेज करने के बाद आप सबको जो है कर लेना है यहाँ से अप्लाई। अप्लाई कर लेने के बाद आपको जो है फोटो इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ से आप जितना चाहें उतना बैकग्राउंड जो है ब्लर रख सकते हैं, मैं कुछ इतना रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ अप्लाई। उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टाइप करके फोटो को सेव कर लेना है। मेरा फोटो जो है यहाँ पे सेव हो चुका है, देख सकते हैं आप सब। यहाँ पे आ जा नीचे उस ऐप का जो है फेस ऐप का वाटर मार्क देखने को मिल जा रहा है सबको। तो इसको मैं अभी बता रहा हूँ आप किस तरीके से इसे हटा सकते हैं। तो आपको अपने इस फोटो को जो है सेंड कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं अपने फोटो को जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर सेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, अपने फोटो को जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में सेंड कर लिया हूँ। यहाँ से अलाउ मांग रहा है, अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद मेरा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर खुल के तैयार हो चुका है। तो यहाँ से आपको टूल वाले ऑप्शन पे आकर के क्रॉप पे आ जाना है। क्रॉप पे आने के बाद इस तरीके से अपने फोटो को क्रॉप कर लेना है, उसके बाद कर लेना है डन। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टाइप करके यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फोर्थ नंबर पे आएंगे तो ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, उसको टाइप करके यहाँ से फर्स्ट वाले ब्लर पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको जो है ब्लर फुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कर लेना है डन। उसके बाद फिर से इसी पर आना है, फिर से यही ब्लर वाला जो ऑप्शन आपको करना था यही फिर से दोहराएंगे, उसके बाद फिर से डन कर लेंगे। यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव। उसके बाद आ जाना है यहाँ से बैक। बैक आ जाने के बाद जो है आपका फोटो जो सेव हो चुका है गैलरी में, उस फोटो को जो है ओपन करना है। तो फोटो जो मैं ब्लर वाला सेव किया था यहाँ इसे ऐड कर लेते हैं। इस फोटो को ऐड करना है कुछ इस तरीके से अपने फोटो को, इस फोटो को जो है जूम कर लेना है। और उसके बाद ऊपर इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टाइप करके नोट कर देना है। उसके बाद यहाँ से रिस्टोर वाले ऑप्शन पे आकर के हार्डनेस को कर लेना है -1 कर लेना है। उसके बाद साइज को कुछ इतना रख लेना है, 96 रख लेना। उसके बाद इस तरीके से कर लेना है अपने फोटो पर। मेरा फोटो इस तरीके से कर लीजिएगा अपने फोटो पर, कुछ इस तरीके से फोटो पर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपने जो है ओपेसिटी को आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, मैं कुछ इतना रख लेता हूँ 98। उसके बाद कर लेता हूँ डन। और जो फोटो मैं आपको जो PNG लगाया था, PNG को लगाना है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको फोटो जो है उस PNG को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने उस PNG को ऐड कर लेना है, जहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ आपको फोटो जो PNG मिलेगा वहाँ से ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं इस तरीके से PNG को ऐड कर लिया हूँ यहाँ से। तो इसी PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ ऐड कर लेना है, यहाँ से आ जाना है ब्लेंडिंग पे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो है डन कर लेना है। तो मेरा जो है फोटो बन के तैयार हो चुका है, तो यहाँ से कर लेता हूँ इसे सेव। तो यहाँ से मेरा फोटो जो है सेव हो चुका है गैलरी में। यहाँ मेरा फोटो सेव हो चुका है, तो इस पर मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैं अपने फोटो को जो है इस फोटो को सेंड कर लूँगा अभी
अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन खुल के ओपन हो चुका है, जहाँ से आपको आ जाना है फोटो पर और यहाँ से अपने जो है फोटो को जो सेव किए थे उस फोटो को ऐड कर लेना है। मैं इस फोटो को सेव किया था तो इसे ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ ऑल फोटो पर। यहाँ से मेरा फोटो जो सेव किया था यहाँ से तैयार हो चुका है। तो यहाँ से आपको आ जाना है लाइट पर, यहाँ से अपने चेहरे का जो लाइट है 20 कर लेना है, 0.20, और कंट्रास्ट को 4 रख लेना है, हाईलाइट को -6 कर लेना है, और शेडो को जो है 4 रख लेना है, और वाइट को -4 और ब्लैक को -4 करके कलर का जो है यहाँ से आ जाना है। तो वाइब्रेंस को 4 करके यहाँ से मिक्स पर आ जाना है, यहाँ से सेकेंड वाला कलर चूज कर लेना है। इसका ह्यू कुछ नहीं करना है, जो है सिचुएशन करना है। यहाँ से सिचुएशन को -60 कर लीजिएगा और लुमिनेंस जो है इंक्रीज कर लीजिएगा, फोटो बनाने को आप इंक्रीज कर दीजिएगा। मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, उसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ येलो वाले ऑप्शन को, उसके बाद फिर से इसका जो है येलो आप कलर का जो है ह्यू कुछ इस तरीके से कर लीजिएगा, सिचुएशन को कुछ इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा डन। यहाँ से आ जाना है इफेक्ट पर, इफेक्ट पर आ जाने के बाद क्लैरिटी को इस तरीके से 6 कर लीजिएगा इंक्रीज, और डिटेल पे आकर के शार्पनिंग को इंक्रीज कर लीजिएगा, और ऑप्टिक्स पे आकर के इस आपको ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से फोटो को कर लीजिएगा सेव। मेरा फोटो जो है बनके तैयार हो चुका है।